वेलकम बैक टू ओल्ड टाइम स्टडी विद आस्था। प्रीवियस लेक्चर में हमने जर्नल एंट्रीज की थी रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर एट पर और प्रीमियम। आज हम इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश करेंगे। उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक देन प्लीज कमेंट। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है? जब आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन, जब उसके पास कैश इनफ नहीं हो या उसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं होती है, तो उस टाइम जब भी आपकी कंपनी एसेट परचेज करती है तो वो उन एसेट के बदले कैश पेमेंट नहीं करती बल्कि वेंडर को शेयर इशू कर देती है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी ना हो या फिर कैश इनफ नहीं हो उसके पास, तो उस टाइम जब भी कंपनी एसेट परचेज करती है तो उस टाइम वो उन एसेट के कैश पेमेंट नहीं करती, उन एसेट के बदला क्या दे देती है, उनको शेयर इशू कर देती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। उस पॉइंट में क्या है कि जब आप एसेट परचेज करते हो तो क्या एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यही एंट्री होगी आपकी एसेट परचेज करने की। उसके बाद अगर मैं उसको कैश ही पेमेंट कर देती तो क्या एंट्री हो जाती, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने उसे कैश ही पेमेंट कर दी। लेकिन ये कैश की जगह मैं उन्हें शेयर इशू कर रही हूँ, तो शेयर इशू कर रही हूँ तो क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस पे इशू किए, पर पे, तभी ना इस पे एसपीआर आया और ना ही इस पे डिस्काउंट आया। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर सेकंड ट्रीटमेंट होगा एट प्रीमियम, कि जब मैं शेयर को प्रीमियम पे इशू कर दूं तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। एसपीआर की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताई हुई थी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आता है एट डिस्काउंट। मैंने पहले बताया हुआ है कि शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोविजंस होते हैं, उन प्रोविजंस के कारण हम कर सकते हैं। जब वो प्रोविजंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब ही हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो मे बी अगर आपके प्रोविजंस कंप्लीटेड है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। पहली बात आप खुद सोचो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है ही नहीं, उसके पास इनफ कैश ही नहीं है। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ही अच्छी नहीं है तो वो डिस्काउंट पे इशू क्यों करेगी, वो करेगी नहीं डिस्काउंट पे इशू, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर मे बी वो कर भी देती है, कुछ हालात ऐसे हो, तो उस टाइम क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। सबसे पहले आपने क्लास 11th में नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। तो डिस्काउंट मैं किसी को प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दोबारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताती हूँ, मैंने एसेट परचेज की तो क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कैश पेमेंट मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी कैश पोजीशन अच्छी नहीं है, मेरे पास इनफ कैश नहीं है, मैं शेयर को इशू कर रही हूँ। तो तीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। फर्स्ट क्या होगा, मैंने पर पे कर दिया इशू तो क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे कर दिया, प्रीमियम में क्रेडिट कर दूंगी एसपीआर अकाउंट से। और अगर मैं डिस्काउंट का कर देती हूँ, मे बी कुछ प्रोविजंस होते हैं याद रखना, मे बी कर दूं तो क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जो ये वाला क्वेश्चन है ये 2018 में आ रखा है, मैं इसे जब वीडियो का नाम दूंगी तब मैं लिख दूंगी। तो प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कैरीज 6 मार्क्स, सो प्लीज रीड इट केयरफुली एंड लर्न इट। थैंक यू।